हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमएससी मैथ्स करने के इच्छुक छात्र अब एमएनएन एजुकेशनल सर्विसेज हमीरपुर से 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि एमएससी मैथ्स की संस्थान में 9 सीटें खाली हैं, जिनमें प्रवेश के लिए आवेदन तारीख बढ़ाई गई है। इच्छुक विद्यार्थी संस्थान में आकर समय रहते अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमएससी मैथ्स करने के इच्छुक छात्र अब एमएनएम एजुकेशनल सर्विसेज हमीरपुर में 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि एमएससी मैथ्स की संस्थान में 9 सीटें खाली हैं, जिनमें प्रवेश के लिए आवेदन तारीख बढ़ाई गई है। इच्छुक विद्यार्थी संस्थान में आकर समय रहते अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दें कि संस्थान में एमएससी मैथ्स की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं तथा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे कक्षाएं चलाई जा रही हैं। संबंधित विषय की पढ़ाई के साथ छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की तैयारी के साथ बहुमूल्य टिप्स भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन की कक्षा परीक्षा द्वारा छात्रों की लर्निंग आउटकम को भी परखा जा रहा है। संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इच्छुक छात्र इस विषय में समग्र ज्ञान अर्जन व इसकी बारीकियां समझने के लिए इस संस्थान का चुनाव कर विषय पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल में पंजीकरण करवा लिया है, उन विद्यार्थियों के लिए भी अलग से कक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएससी मैथ्स में जो है वो आवेदन करने की तिथि जो है वो समाप्त हो चुकी थी, परंतु हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एमएनएन शिक्षण संस्थान ने जो भी स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथ्स करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन की तिथि जो है वो 31 अगस्त कर दी गई है। वो इसलिए कि कहीं कोई किन्हीं परिस्थितियों के कारण चूक गए हों स्टूडेंट्स एमएससी मैथ्स करने से, वो एमएनएम शिक्षण संस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ और भी है कि कुछ लेक्चर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में लगे हैं या एसएमएससी के थ्रू लगे हैं, टीजीटी हैं और वो एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी है कि जैसा कि जो बॉयज हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से इक्ड्योल के थ्रू करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए भी सुविधा है। हाँ, उनका फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। गर्ल्स के लिए जो हिमाचली बोनेफाइड है गर्ल्स हैं, उनके लिए फीस में काफी कमी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं वर्किंग हैं और उन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से क्लासेस का इवनिंग टाइम या वीकेंड क्लासेस का प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि वो अपने मैथमेटिक्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस डिग्री को कर सके, ताकि बाद में वो समाज में जाकर उन सेवाओं को जो है वो अच्छी तरह से आगे वितरित कर सके। एमएससी मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है वो एमएनएम शिक्षण संस्थान ने 16 अगस्त से शुरू कर दी गई है। इन क्लासेस का जो शेड्यूल है वो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इस तरह से है कि 2:30 बजे तक तो क्लासेस का शेड्यूल है और डेली 2:30 से 3 बजे जो पिछले दिन पढ़ाया जाता है उसका डेली टेस्ट होता है। जब ये डेली टेस्ट रूटीन में करते हैं बच्चे करते हैं तो इनमें एक नियंत्र या रेगुलर अभ्यास रहता है। साथ में हमने एक सरप्राइज टेस्ट का भी रखा हुआ है, जैसे कि 5-7 दिनों में जो भी लेक्चर्स डिलीवर होंगे तो उनका एक सरप्राइज टेस्ट होगा, जिसमें कि 20 से 25 क्वेश्चन की लिस्ट होगी। उन क्वेश्चन को हम कभी भी बच्चों को डाल सकते हैं। इससे सरप्राइज टेस्ट से क्या बच्चों में फायदा हो रहा है कि इनमें जो क्रैमिंग करने की जो गुण होता है, एक अवगुण बोल लीजिए इसको, गुण नहीं कहेंगे, जो अवगुण है क्रैमिंग करने का, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि उनको एक वो रहेगा कि नहीं हमें कोई भी क्वेश्चन कभी भी डाला जा सकता है। तो उनको क्वेश्चन को कवर करने के लिए, थ्योरम्स को कवर करने के लिए अलग अलग से टेक्निक बताए जा रहे हैं, जिससे कि जो एक डर है, फोबिया है मैथ्स का, वो दूर हो सके। संस्थान ने जो है अभी हाल ही में नेट और सेट में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। हम हिमाचल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी मैथ्स भी कर लिया है उनके लिए अब हम लॉन्ग 1 ईयर का कोर्स जो नेक्स्ट जुलाई सेट में होगा, नेक्स्ट ईयर जुलाई में होगा, उसके लिए भी हम क्लासेस देने जा रहे हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।